قلبن و واقعا با تمام وجود برای رخ داد این همچین حادثه‌ای که حالا هنوز علتش مشخص نشده واقعا ناراحت هستیم. به هر حال رئیس جمهور به عنوان شخص اول مملکت یکی از خدمتگزاران به کشور هستش و ما آرزو میکنیم انشالله هم ایشون هم همراهانشون در سلامتی کامل انشالله از این حادثه سر ببرن. सुलेमानी के साथ जो हुआ वही रईसी के साथ भी हुआ। ईरान को सता रहा साजिश का डर। क्या रईसी के साथ वही हुआ जो सुलेमानी के साथ हुआ था? दिन शुक्रवार, तारीख 3 जनवरी 2020, जगह इराक की राजधानी बगदाद। ईरान के लिए ये दिन सबसे मनहूस और काला दिन था, क्योंकि इसी दिन बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आधी रात करीब 1 बजे ईरानी सेना के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी एक कार में सवार होकर इराक के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन हजारों फीट आसमान की ऊंचाई से कासिम सुलेमानी की कार पर एक मिसाइल फायर करता है, जिसकी वजह से कार में जोरदार धमाका होता है और ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौके पर ही मौत हो जाती है। सुलेमानी की मौत से ईरान को एक ऐसा झटका लगा था जिसे वो कभी भूल नहीं सकता है। सुलेमानी ईरान की कुछ फोर्स के मुखिया थे, जो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स यानी IRGC की 5 शाखाओं का एक हिस्सा है। लेकिन एक बार फिर से ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और उनके विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहेन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। उनके साथ इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। रईसी का हेलीकॉप्टर उत्तरी अजरबैजान प्रांत में क्रैश हो गया। जहां पर रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो एक घना जंगली और पहाड़ी इलाका है। कुछ लोगों का कहना है कि खराब मौसम की वजह से रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन ईरान के कई लोगों का मानना है कि कहीं उनके साथ ईरानी कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी जैसा कांड तो नहीं हो गया, और इसी वजह से अब ईरान के लोग एक बार फिर से कासिम सुलेमानी को याद कर रहे हैं। दरअसल 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने इराक के बगदाद एयरपोर्ट के पास कासिम सुलेमानी को एक हवाई हमले में मार दिया था। अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर सुलेमानी की पहले निगरानी की और फिर ऐन वक्त पर उन पर हमला कर दिया। हालांकि इसराइल ने आखिरी वक्त पर इस अटैक से अपने कदम पीछे खींच लिए थे, लेकिन अमेरिका ने प्लान के मुताबिक कासिम सुलेमानी को इस हमले में मार दिया था, और अब रईसी को लेकर भी यही डर सता रहा है। हालांकि इजरायली मीडिया ने इस बात की पुष्टि की है कि रईसी की मौत में इजरायल का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ईरान के लोग कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर रईसी की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले कई सालों में रईसी लगातार अमेरिका के ऊपर हमलावर थे और मिडिल ईस्ट में इजराइल पर हमास के हमले के पीछे भी ईरान की बड़ी भूमिका रही है, और यूक्रेन में रूसी सेना को अपने घातक ड्रोन्स और मिसाइलें सप्लाई करने को लेकर भी रईसी अमेरिका के निशाने पर थे, और इन सब कारणों को देखकर रईसी की मौत के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता।